Hello and welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi. This is our awesome team here, which you can see. ये वो courses हैं जो हम लोग offer कर रहे हैं on YouTube. YouTube पे you all know that video lectures are for free, right? आपको क्या करना है? आपका part ये होगा कि आपको इसको like, subscribe and share करना है to as many students, as many people as you can, जितना भी आप लोग को जानते हैं, so that मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिटेड. तो अब आपको बेसिकली कोटा आने की जरूरत नहीं है कोटा लेवल के एडुकेशन लेने के लिए. क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से वही एडुकेशन आप लोगों को आपके घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर द कोर्सेज दैट इज 6 to 8 के जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं हम लोग वो कवर करेंगे. एनसीईआरटी कवर हो रही होगी, देन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हैं वो सब कवर हो रहे होंगे. एनटीएससी, एनएससी, जेएसपीआरएमओ, ऑल दैट वुड बी कम्प्लीटेड. So these are just about the basic video lectures, but you can have the study material as well. Now where can you have the study material? On our website, which is mentioned here. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is www.talkingtextbooks.in. यहाँ पर जब आप study material और packages के लिए जाएंगे, so this is a box which you can see, like ये एक example है for 6th standard. Say if you are in 8th, तो आप 8th का select करेंगे. This is the highest package. अब इसके अंदर आप लोग को क्या क्या provide हो रहा है? You'll have the study material, then test series, daily quizzes होंगे और YouTube lectures तो मिल ही रहे हैं, right? So all this in just 9,000. So when you're going to select this buy now पे जब आप click करोगे तभी ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा. अब यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, which is what? AVLIVE. उससे आपके 30% डिस्काउंट हो जाएगा जो प्राइस है उसके अंदर, दैट इज 2700. सो ओवरऑल जो पैकेज का प्राइसिंग होगा वो कितना हो जाएगा? 6300 हो जाएगा. देन व्हेन यू सेलेक्ट बाय नाउ तो फिर जो पेमेंट गेटवे है दैट विल ओपन. देयर विल बी मेनी ऑप्शंस, आप जिससे भी पे करना चाहे यू कैन डू दैट. वंस यू विल पे तो यहाँ से हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका कॉल आपके पास आ जाएगा. दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट जब भी आपके पास वो स्टडी मटीरियल आने वाला है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दैट. फर्दर और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए या कुछ ऐसा है जो आपको कन्फ्यूजन जो समझ में नहीं आ रहा है, सो देन यू कैन कॉल ऑन आर नंबर दैट इज 9549041111. सो यू कैन कॉल ऑन दैट, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टडी मटीरियल एंड द टेस्ट सीरीज. इफ़ यू वॉन्ट DPPs रिलेटेड टू द वीडियो, मतलब जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको DPPs चाहिए, तो दैट यू कैन हैव ऑन आर टेलीग्राम चैनल. These are our Telegram channels. So, आप let's say if you are in 8th, so what you are supposed to search is CTB08, and then you will be directed on our channel. Join us there and have the DPPs. This is all about it. Now, before starting, please take the promise. So, I hope you have taken the promise. Let's move on. So, today's lecture is lecture 1. फॉर रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स जो है हम 8th स्टैंडर्ड में सबसे पहले पढ़ते हैं. क्यों? दिस इज पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में या मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम सबसे पहले रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं. रैशनल नंबर के अंदर और बहुत सारे नंबर जो हैं, नंबर सीरीज जो हैं, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होती है. कौन सी होती है वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. सो वॉट ऑल यू शुड नो, प्री रिक्वेजिट क्या होना चाहिए इसको पढ़ने से पहले? यू शुड बी नोइंग अबाउट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक ये सब आना चाहिए. ऑपरेशन जो हैं फ्रैक्शन क्या होते हैं, राइट? क्योंकि उसी का ही एक फर्दर एक्सटेंशन है ये. जस्ट दैट डिफरेंस इज कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, नेगेटिव साइंस भी आ रहे होते हैं. फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेर एज रैशनल नंबर जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव भी इन्वॉल्व होता है. सो रैशनल नंबर इज नथिंग बट अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, राइट? जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/7 या -2/7. सो दिस इज वॉट अ रैशनल नंबर. तो अगर मुझे बेसिक डेफिनेशन बतानी है रैशनल नंबर की तो वो क्या होगी? दैट अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म. पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा है वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. मैं इंटीजर्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आते हैं, राइट? तो इसलिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैं उसको इंटीजर्स बोल रही हूँ. पी बाई क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो. मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी जीरो. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ 3/0, इज दिस डिफाइंड? दिस इज नॉट इन्फिनिटी. आज तक
कुछ बुक्स में या कुछ कहीं कहीं पर हमें ऐसा बताते कि दिस इज इन्फिनिटी, बट आजकल ऐसा नहीं है. आजकल ये इन्फिनिटी नहीं होता है, आजकल ये नॉट डिफाइंड होता है, राइट? सो दिस इज नॉट देयर. तो इसलिए हम q जो है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम जीरो नहीं लेते. q शुड नॉट बी जीरो. अदर देन दैट कोई भी इंटीजर ये हो सकता है. सो दीज आर बेसिकली व्हाट रैशनल नंबर्स. और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 27/111 एंड सो ऑन. ऐसे कितने ही आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. तो अपन बेसिक और पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में. सो बेसिक, लेट्स सी, नंबर्स जो हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं. टू, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स. अब इमेजिनरी नंबर के बारे में हम थोड़ा बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर ही होगा. तो रियल नंबर्स के अंदर हम लोग इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे, राइट? बेसिकली रियल नंबर होता क्या है? देखो, रियल नंबर के अंदर ये सब कुछ आ रहा है, दैट इज रैशनल, इरेशनल, ये सारे फॉर्म्स आ रहे हैं. तो बेसिक रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई कि रियल नंबर्स के अंदर वो सारे नंबर्स आते हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सी, हेयर देयर इज अ डेफिनेशन. दीज आर द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो नेचर में प्रेजेंट है उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर्स यूज आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं, और उनको हम एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. सो बेसिकली जितने भी नंबर्स हम सोच सकते हैं, जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी नंबर्स हम सोच सकते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? वो सब रियल नंबर्स का ही पार्ट होंगे. तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, राइट? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स. अब स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें मैं काउंट कर सकती हूँ उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. लेट्स इफ आई से दैट देयर आर 10 एप्पल्स इन अ बास्केट, तो मींस आई कैन काउंट दैट, राइट? सो दोज आर नोन एज व्हाट? दोज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय एन. इट इज डिनोटेड बाय एन, राइट? स्टार्टिंग विथ वन. अब ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? वाई इज इट नॉट स्टार्टिंग विथ जीरो? इज बिकॉज मैं उसे काउंट नहीं कर सकती. अगर मैं बोल रही हूँ कि देर इज जीरो चॉकलेट इन द फ्रिज और जीरो आइसक्रीम इन द रेफ्रिजरेटर, तो इसका मतलब देर इज नथिंग इन द मीन्स देर इज नो चॉकलेट और आइसक्रीम इन द रेफ्रिजरेटर, राइट? सो इसलिए जीरो जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज. तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि जीरो मीन्स वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, राइट? वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वेयर जीरो इज नॉट देयर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन. अगर एन, ये सब जो डिनोशंस हैं, मतलब जिस भी लेटर से ये डिनोट हो रहे हैं वो हमको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के एग्जाम्स में क्या होता है कि दे डू नॉट लाइक, अगर वो सिर्फ इस तरह से लिख दें दैट देर आर टू नंबर्स विच बिलोंग टू एन, ठीक है, विच बिलोंग टू एन, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, राइट? या हमें दिया हुआ है इस तरह से, लेट्स से अगर ऐसे भी नहीं, ऐसे दिया हुआ है पी एंड क्यू आर टू नंबर्स एंड पी क्यू बिलोंग टू एन, ठीक है. अगर ये लाइन मुझे दी हुई है किसी क्वेश्चन के अंदर तो मुझे समझना है कि पी और क्यू जो है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर्स है. इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम उसके जो जिस नंबर से वो डिनोट हो रहे हैं, जिस अल्फाबेट से वो डिनोट हो रहे हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट? सो नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय एन, देन होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू. उसके अंदर क्या आ रहा होता है? जीरो भी आ रहा होता है, राइट? होल नंबर्स के अंदर जीरो भी आ रहे होते हैं, क्योंकि जीरो जीवन में तो होता ही है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं तो हमें यूज करना ही पड़ेगा. तो जब हम यूज कर लेते हैं उसे सीरीज के अंदर, तो उसे मैं क्या कहती हूँ फिर? आई कॉल इट एज अ होल नंबर. होल नंबर उसे कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. सो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर.
अब लार्जेस्ट होल नंबर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक आप जहाँ तक आपको आती है गिनती वहाँ तक चलते जाएंगे। सिमिलरली नेचुरल नंबर में भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जैसा कुछ वो है ही नहीं क्योंकि आप गिनते ही जाओगे उसे, राइट, इन्फिनेटली चलता ही जाएगा वो तो। बट स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर आर देयर, राइट। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन वी कैन मूव फर्दर। क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डेफिनेशन जीवन में, क्योंकि 6th to 8th में बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिक नॉलेज जितनी भी है वो सब आप 6th to 8th में रट लो, अपने नसों में बसा लो, ताकि आगे के टाइम पे जब भी क्वेश्चंस आए तब आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत, आपको ऑलरेडी पता हो ये सब कुछ, राइट। सो दिस इज इट। ऑल्सो जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसलिए हमें पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव वॉट ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि द नंबर इट्सेल्फ एंड वन एज द टू एज द फैक्टर्स। मतलब टू फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो वन होगा और एक द नंबर इट्सेल्फ। तो ये जो भी ऐसे नंबर्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, उनके और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। सो लाइक अगर मैं बात करूँ 2 से 100 तक की, सो 200 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 25 प्राइम नंबर्स आ गए, राइट। एंड आई होप कि आपको याद है हमने 5th-6th स्टैंडर्ड में हम सीव ऑफ इराटोस्थनीस पढ़ते हैं, जिसके अंदर पूरा वो प्रोसीजर बताते हैं कि 2 के जितने मल्टीपल्स हैं, 3 एंड देन 5 के जितने मल्टीपल्स हैं, उन सबको हम क्रॉस करके फाइनल जिनका कोई और मल्टीपल नहीं होता है, मतलब जिनके और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, हम उनको लिख लेते हैं अलग से। एंड दोज आर नोन एज व्हाट? Those are known as prime numbers, right? Just a second, चलो। Right? So अब देखो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 and so on इस तरह से ये चलते जाते हैं। So I hope you know that. For example, if I write 41, right? अगर मैंने लिखा 41, so 41 के और कोई factors नहीं है। Like मैं इसको किससे divide कर सकती हूँ? 1 से divide कर सकती हूँ और 41 से डिवाइड कर सकती हूँ। इस 41 नंबर को मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, 41 से डिवाइड कर सकती हूँ, और किसी से नहीं कर सकती। इसका मतलब कि ये क्या हो गए? ये क्या कहेंगे? इनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो वो नंबर देखो, दो टाइप के नंबर्स हैं, एक है प्राइम, एक है कॉम्पोजिट। अब जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कॉम्पोजिट। ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर व्हाट? आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, 10 एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? ये सब हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 लेती हूँ, ठीक है, तो 6 को मैं किस किस नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ? लाइक 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 and 6, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब 6 के वो हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हो गए, मतलब कॉम्पोजिट नंबर जो हैं उनमें द नंबर इटसेल्फ एंड वन, इन दो के अलावा भी अगर मेरे पास फैक्टर्स हो गए तो वो क्या कहलाएगा? वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? राइट। अब हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर भी देखो, अब प्राइम नंबर्स, ये हम बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, कि 2 जो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सेकेंड पॉइंट क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? ऑड है। बाकी सारे जो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, वो सब ऑड हैं, सिर्फ 2 है जो क्या है? जो इवन है, ठीक है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे छोटा प्राइम नंबर नहीं है, और स्टार्टिंग विद दैट एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, रेस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब कॉम्पोजिट नंबर में हम देख रहे हैं कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो इसमें 1 कहीं पे नहीं आ रहा है, राइट। व्हाई? बिकॉज 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट तो होगा ही नहीं, चलो, क्योंकि उसमें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स की ज़रूरत है। अब प्राइम की डेफिनेशन भी हम देखते हैं अगर, तो प्राइम की डेफिनेशन ये कहती है कि एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब 1 का तो खुद का एक ही फैक्टर है, राइट, 1 का फैक्टर एक ही है, 1 का फैक्टर 1 है बस,
राइट, दूसरा फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. वन जो है वो प्राइम भी नहीं होता है और वो कॉम्पोजिट भी नहीं होता है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, देन वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, मतलब होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, उन सबको हम कंबाइनिंगली क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं. इंटीजर्स को हम आई और जेड से डिनोट कर सकते हैं. सी इट, देखो मैं आई से, इट कैन बी डिनोटेड बाय आई और जेड. अब इसमें भी आप एंड पॉइंट्स कुछ वो नहीं कर सकते, एंड पॉइंट्स कुछ नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है. बट देखो, इट कंप्राइजेज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, ये भी हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट कम्स आर रैशनल नंबर, जो बेसिक हमें आज पढ़ना है. सो दिस इज वॉट नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉन जीरो इंटीजर एंड पी इज एनी इंटीजर आर कॉल्ड रैशनल नंबर. अब क्यू तो देखो वो क्या बोल रहा है, नॉन जीरो इंटीजर है. नॉन जीरो इंटीजर का मतलब कि नॉन जीरो होने के अलावा वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. राइट, इट इज अ नॉन जीरो मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पी इज एनी इंटीजर. अब पी इज एनी इंटीजर का मतलब अगर मैं लिख दूँ जीरो, तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स इट इज अ रैशनल नंबर. राइट, क्यों? क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जीरो अपॉन वन, कोई रोक नहीं रहा मुझे, Nobody is stopping me. I can write it like this. Zero के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ. For example, if I write 3, is this a rational number? Of course it is, because I can write 1 below it. So this becomes a rational number here. So zero is also a rational number. But वही है कि बस denominator के अंदर वो नहीं आ सकता. Again, rational numbers जो हैं वो दो part में divided हैं. That is, means not two parts, but पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. तो जीरो जो है वो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है. राइट, सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या हुए? जिनका जिनका जो वो है, हम ये कह सकते हैं कि जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के जो साइन हैं वो क्या है, सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, पर फिर दोनों के नेगेटिव होने चाहिए. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 19/3, तो दोनों में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट अगर मैं लिखती हूँ -117/-5, तो ये क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन होना चाहिए. सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करूँ, तो नेगेटिव में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो साइंस हैं वो अलग अलग होने चाहिए. मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट इट लाइक दिस, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो 17/-3. ठीक है, 17/-3 अगर दे रखा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव, तो अगेन ये भी क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा. इफ आई राइट इट लाइक दिस, -37/41. ठीक, तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन राइट मैनी, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज जीरो. जीरो नेगेटिव में भी नहीं आता, पॉजिटिव में भी नहीं आता. सो दिस इज बेसिक अबाउट रैशनल नंबर्स. लेट्स मूव ऑन. सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स. सो बेसिकली जीरो से लेकर टू से लेकर 100 तक अगर हम काउंटिंग देखें, तो उसके अंदर 25 रैशनल प्राइम नंबर्स होते हैं जो हमको याद हैं. लेकिन उसके बाद से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से. अब इसका एक प्रोसीजर होता है. सी, स्टेप वन इज फाइंड अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. मतलब जो भी नंबर मुझे दिया हुआ है उसका एक अप्रॉक्सीमेट वो निकाल लूंगी मैं.
अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल लूंगी मैं, एंड देन आई एम सपोज टू डू व्हाट? स्क्वायर रूट जब मैंने निकाला, आसपास का जो भी स्क्वायर रूट है वो मैंने निकाल लिया, उसके बाद उस स्क्वायर रूट से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको मैं क्या करूँगी, उन सबको मैं इस नंबर से डिवाइड करूँगी। उस नंबर से डिवाइड करके मुझे पता लग जाएगा क्या कि ये एक क्या है, दिस इज वॉट अ प्राइम नंबर नॉट। अगर डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं होता है, सॉरी डिवाइड अगर हो जाता है तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ऑफकोर्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, लेट्स से 351, ठीक है। अब 351 मैंने लिया तो मुझे उसे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो इसका तो बहुत ही बेसिक्स है। सो आई विल काउंट इट, दिस इज़ वॉट 4 एंड 5, मतलब इफ यू विल काउंट द डिजिट्स, तो हम अगर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे तो वो कितना आ रहा है, दैट इज 3 + 5 + 1 गिव्स मी हाउ मच, 9, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 271 का, ठीक है, 271 का। तो अब इसके आसपास का स्क्वायर रूट देखते हैं अपन, 289, राइट, इसके आसपास में देखते हैं हम 289, तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, राइट। तो अब 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको मैं इससे डिवाइड करने की कोशिश करूंगी, अगर डिवाइड हो जाता है तो ये कॉम्पोजिट है, नहीं होता है तो इट बिकम्स अ प्राइम नंबर। सो लेट्स चेक इट आउट, इससे छोटे 17 से छोटे कितने हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। तो अब मैं इन सब से डिवाइड, अब देखो 2 से ही डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से ही डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज 1, 3 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इफ आई एड दीज तो कितना आ रहा है, मेरे पास 10 आ रहा है, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, हम ये डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज 5 अगेन वोंट बी डिविजिबल क्योंकि यूनिट डिजिट इज 1, देन 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट, देन 11 से भी नहीं होगा, 2 + 1 = 3 हो रहा है, देन 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 271 इज वॉट, 271 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ इट इज़ अ प्राइम नंबर, आई कैन राइट इट डायरेक्टली दैट इट इज अ प्राइम नंबर, राइट, इट इज अ प्राइम नंबर। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज़ क्लियर कि हम किस तरह से प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। यू कैन टेक मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स, आप और बुक्स में से बहुत सारे और क्वेश्चंस इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, एंड इफ इट इज़ नॉट क्लियर तो यू कैन वॉच इट अगैन, वीडियो को पीछे करके यू कैन वॉच इट अगैन, एंड फिर भी नहीं आता तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन टेलीग्राम इट टू अस, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखो मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट 4/5, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है ना, ये एक रैशनल नंबर है। अब मुझे इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब डेसिमल में मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी डिवाइड इट, राइट। तो मेरा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 0.8, राइट, दिस इज हाउ वी डू इट, डिवाइड करके और हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो अब ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है ये भी दो तरीके से होता है, एक तो ये होगा कि देखो अब यहाँ पे तो ये फाइनाइट हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा ये जो डिविजन था ये कंप्लीट हो गया, मुझको फाइनल आंसर मिल गया। अब कुछ कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डिवाइड करते हैं तो आंसर ही नहीं आ रहा होता है, राइट, जैसे 1/3 अगर आप करोगे, राइट, तो वो कॉन्टीन्यूअसली चलता ही जाएगा, इट वॉन्ट, जैसे मान लो मैंने अगर 3 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, मैंने लिखा 1/3, अब मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 9, अगेन 3 से, देन सेम थिंग, देन 3, 3, 3, 3, तो मींस दैट इट विल नेवर एंड, ये जो डेसिमल है, ये जो डिविजन है, इट वॉन्ट एंड, सो दीज आर नोन एज व्हाट,
इस तरह के जो डिवीजन हो गए, जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, जहाँ पे मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगी, टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट हो गया। एंड इस तरह के जहाँ पे ये चलता ही जा रहा है आगे तक, उसको मैं क्या बोलूँगी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये जो डेसिमल सिस्टम है अनंत काल तक चलता ही जा रहा है, राइट। सो दीज आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें मुझे फाइनाइटिंग आंसर नहीं मिल रहा और ये आगे तक चलता है, एंड दीज आर नोन एज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब इसको मैं और कैसे मेंशन कर सकती हूँ, सी 1/3 मैंने लिखा और इसका मुझे इस तरह से मिल रहा है 0.333 एंड इस तरह से, राइट। तो इसका दूसरा मेथड क्या है इसको लिखने का, रिप्रेजेंटेशन, मतलब बेसिकली, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 0.3 बार। सो दिस बार रिप्रेजेंट्स, मतलब जिस भी नंबर के ऊपर बार आ जाएगा उसका ये मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। इफ़ आई राइट समथिंग लाइक दिस 0.452 एंड मैंने ऐसे लिख दिया 52 बार, ठीक है, तो इसका मतलब कि 4 एज इट इज ही रहेगा, 4 एक ही बार आएगा, बट 52 नंबर इज वॉट इट इज रिपीटिंग इन दिस पैटर्न, एक सेट पैटर्न में वो रिपीट होता जा रहा है। सो दैट इज नोन एज दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। सो अब अगर मुझे सिर्फ रैशनल नंबर को देख करके पता करना है कि वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो मैं कैसे पता करूँगी, वट आई एम गोइंग टू डू इज आई लुक एट द डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर को मैं देखूंगी। अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2^m इंटू 5^n की फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, और m और n क्या होंगे, m और n वुड बी व्हाट, दे वुड बी, m और n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, m और n वुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि दे कैन बी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, राइट। एम और एन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, दिस इज, और जो डिनोमिनेटर है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, मतलब वो कैसे होना चाहिए, 2^m इंटू 5^n का प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए उसका। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से आई रोट 7/40, ठीक है। अब 7/40 का मुझे पता करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है, जस्ट बाय लुकिंग, मतलब मुझे ये इस तरह के डिवीजन ना करने पड़े, जस्ट बाय लुकिंग हाउ कैन आई से दैट दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं क्या करूँगी, 40 को हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट इट लाइक दिस 2^3 इंटू 5^1 या जस्ट 5 ऑल्सो इफ यू राइट इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो मैं इस तरह से लिख पाई, इस फॉर्म में लिख पाई 2^m इंटू 5^n की फॉर्म में, तो इसका मतलब दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज व्हाट अ टर्मिनेटिंग, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वेर एज इसके अलावा वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैं आगे बता दूंगी, राइट। सो दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पर भी मैं 2^3 इंटू 5^n की फॉर्म में अगर लिख पा रही हूँ। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, लेट से आई रोट 21/64, ठीक है, मैंने लिखा 21/64। अब अगेन इफ आई लुक एट द डिनोमिनेटर पार्ट, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2^6 इंटू 5^0, मतलब 5^0 मीन्स 1, सो इवन इफ यू डू नॉट राइट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो 5^0 एंड 2^6, अगेन दिस बिकम्स व्हाट, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज अ व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट, जस्ट बाय लुकिंग, जस्ट बाय सीइंग द रैशनल नंबर यू कैन फाइंड आउट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 2^m इंटू 5^n, देन इट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। हाउ, लेट्स जस्ट चेक इट इन द नॉन टर्मिनेटिंग। सी, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अब क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^m इंटू 5^n। अब यहाँ पे मैं 2^m इंटू 5^n नहीं लिख सकती, राइट, आई कैन नॉट राइट बिकॉज 3 है यहाँ पर, तो राइट। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, इफ लेट से इफ आई टुक 5/18, ठीक है, आई टुक 5/18 और -5/18, लेट सपोज,
सो अगर अब मुझे इसका 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कितना होगा, दिस इज 3 to power 2 into 2, राइट. तो अब यहाँ पे 3 की पावर 2 आ रहा है, मीन्स 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, 3 आ रहा है मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में, whereas 5 इज नॉट देयर, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट 3 इज देयर, राइट. तो ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए ड्यू टू दिस कमिंग ऑफ 3. 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा और कुछ भी आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट दिस इज वॉट, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. जस्ट बाय लुकिंग मैं बता सकती हूँ कि दिस इज वॉट, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक, एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. लेट्स से आई टोक ओके, लेट्स से आई टोक 23/28, ठीक है, आई टुक 23/28. अब इसको देखते हैं अपन, 28 का क्या हो जाएगा, सेवन फोर ज़ा 28, राइट. तो 2 की पावर 2 into 7, अगेन 7 आ रहा है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस बिकम्स वॉट, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से हम जस्ट बाय लुकिंग वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. देयर विल बी एन एक्सरसाइज मैं यहाँ पर दी हुई है आगे की स्लाइड्स में, विच विल बी अ होमवर्क फॉर यूर, तो आप फाइंड करना, फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऑफकोर्स वी आर देयर टू हेल्प, राइट. नेक्स्ट इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. लोएस्ट फॉर्म कैसे निकालना होता है हमें किसी भी नंबर का, लोएस्ट फॉर्म निकालना इज वेरी इजी. उसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड अस, ओह सॉरी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म. देखो अब इसके अंदर क्या होता है, लेट से अगर मैंने लिया -12/72, राइट. तो अब 12/72 में वी कैन सी कि यहाँ पे इसके कॉमन HCF, मतलब कुछ कॉमन फैक्टर्स अभी हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिससे डिवाइड हो सकता है, राइट. तो मैं उन कॉमन फैक्टर्स को इसमें से अलग कर देती हूँ. तो वो कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है, तो मैं 12 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करता हूँ, ऐसा नहीं कि इसको अलग कर दिया, ऐसा नहीं. सो ऑब्वियसली आई डिवाइडेड बाय 12, तो मुझको क्या मिल जाएगा, 1/6. अब ये जो 1/6 है, सॉरी -1/6, अब ये -1/6 जो है, 1 और 6 के बीच में और कोई कॉमन HCF नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दे आर इन द लोएस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. तो इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. किस तरह से, जब भी हम क्या करेंगे, उसमें से कॉमन नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, राइट. सो दिस इज नोन एज व्हाट, लोएस्ट फॉर्म. इस तरह से आप लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हो. एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 21/27, ठीक है, 21/27 अगर मैंने लिया, सो किससे हो जाएगा ये, 3 से, 3 7s are 21, राइट, 7/9. सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7/9. अब 7 और 9 जो है, इनके बीच में और कोई कॉमन HCF नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड, मींस जो सिंपल फॉर्म है उसमें आ गया. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस, 7/-3, राइट. अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा है, अब माइनस कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट. तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करूँगी, -1 into -1 कर दूंगी, विच इज़ अंडरस्टूड, वी डू नॉट डू इट एवरी टाइम, इट इज़ जस्ट अंडरस्टूड कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -7/3. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर से उसको कौन से फॉर्म में ला, डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन को कहाँ ला रहे हैं, न्यूमरेटर में ला रहे हैं. तो
इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, जहां पर नेगेटिव साइन जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है उसको मैं बोलूंगी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट, जहां पे न्यूमरेटर के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो, राइट। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, शैल वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है रैशनल नंबर्स का, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हम बेसिक जो हमारी वो है नंबर लाइन, वो हम जानते हैं किस तरह से होती है। इट इज़ लाइक दिस, सी, एक नंबर लाइन होती है, उसमें देर इज ज़ीरो, देन 1, 2, 3, 4 आर ऑन द पॉजिटिव साइड एंड माइनस नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप जितना यू विल गो ऑन द राइट साइड में आप जितना जाते जाएंगे उतना ही नंबर बड़ा होता जाएगा, विच होल्ड्स ट्रू फॉर द नेगेटिव नंबर्स एज वेल, राइट। तो आप, अगर मैं यहाँ पे -10 की बात कर रही हूँ, तो -10 से राइट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब -10 से बड़े होंगे। मतलब इफ आई टॉक अबाउट -10 एंड -6, तो -6 जो है वो क्या है, वो बड़ा है -10 से। दिस इज द बेसिक लॉजिक अबाउट इट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बचपने से ही, राइट। This is how you write it. These are what, इस direction में जाएंगे तो it is ascending or increasing, इस direction में descending. So we'll talk about how to represent the rational numbers on the number line. अब यहाँ पे there are two types, दो type के होते हैं. So let's talk about first this, ठीक है, let's take it minus, मैं इसको -7/13 ले लेती हूँ, ठीक है, let's take -7/13, okay. So अब इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉरगेट अबाउट माइनस, अभी माइनस को छोड़ दो, तो ये क्या दिख रहा है, 7/13 दिख रहा है। 7/13 इफ़ यू रिमेंबर, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। अब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, अगर मैं माइनस साइन हटा दूँ तो वो कैसे, उसका वैल्यू किसके फॉर्म में आएगा, याद है, रिमेंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर यूज टू बी बिग एंड न्यूमरेटर यूज टू बी स्मॉलर, राइट। तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता था हमेशा, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसका वैल्यू किसके बीच में आ जाएगा, -1 से 0 के बीच में। सो द वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 and 0 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन, आई होप आप लोग स्केल पेंसिल लेकर के और ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इस सब नीटनेस क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है स्कूल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर, बिकॉज ओलंपियाड में यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ दिस, मतलब जो जिसमें 4 ऑप्शन वाले जो आते हैं उसके अंदर तो ड्रॉ करना नहीं होता, राइट। तो अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे, अब इसका वैल्यू किसके बीच में आएगा, -1 एंड 0 के बीच में। क्यों -1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, राइट। सो वॉट आई डू इज आई राइट -1 है एंड आई राइट 0 है, ठीक। अब इसके अंदर कितने सेपरेशंस मुझे बनाने होंगे, कितने सेपरेशंस मुझे चाहिए, दैट इज इक्वल टू द नंबर इन द गिवन इन द डिनोमिनेटर, यानी कि मुझे इसके 13 इक्वल सेपरेशंस बनाने होंगे, जो कैसे बनेंगे, बाय ड्राइंग 12 इक्वल लाइंस, राइट। 12 इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ड्राइंग 12 लाइंस। तो मैं बेसिकली इसमें क्या कर रही होंगी, 13 - 1 विच इज वॉट 12, तो मैं 12 इक्वी डिस्टेंस पे लाइंस ड्रॉ कर दूंगी तो मुझे 13 सेपरेशंस मिल जाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ इट। अब आप भी स्केल से क्योंकि कर रहे होंगे तो आई होप कि वो इक्वी डिस्टेंस पर ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है। तो 12 बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 यहाँ पे सेपरेशंस बन गए। तो मुझे हम अज्यूम करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन थी, है अभी भी। अब यहाँ पे मुझको इनको आई एम सपोज टू, अब इसके मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स, आई एम सपोज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स है। अब वो किस अकॉर्डिंग होंगे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज -1, राइट। तो अब मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, दिस विल बी -1/13
minus 2 upon 13. Sorry, it will be like this. Minus 1 upon 13, minus 2 upon 13, minus 3 upon 13, minus 4 upon 13, minus 5 upon 13, minus 6 upon 13, minus 7 upon 13. ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. इस तरह से मैं इसको डिनोट करती जाऊंगी, माइनस वन अपॉन थर्टीन माइनस टू, क्योंकि जीरो से लेफ्ट में चलेंगे हम तो माइनस ही आएगा. अब उसको मैं कैसे करूंगी, माइनस वन अपॉन थर्टीन, टू अपॉन थर्टीन, थ्री अपॉन थर्टीन, एंड इस तरह से ही चलता जाएगा. राइट, अब ये मुझे कैसे पता लगा कि दिस इज करेक्ट, माइनस थर्टीन अपॉन थर्टीन विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस वन विच इज दिस, यानी कि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेक्ट है. अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, माइनस सेवन अपॉन थर्टीन विच इज वेयर दिस. राइट, तो इसका मतलब मेरा रिप्रेजेंटेशन कौन सा हुआ, माइनस सेवन अपॉन थर्टीन का. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप टू विच इज नाइन बाय टू. राइट, अब इसके अंदर मैं क्या देख पा रही हूँ कि नाइन बाय टू इज वॉट, नाइन बाय टू इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मुझे दिख रहा है. तो अब सबसे पहले मुझे इसके अंदर क्या करना होगा, आई विल चेंज इट टू अ मिक्स फ्रैक्शन. सो नाइन बाय टू विल बी इक्वल टू वॉट, फोर वन बाय टू. राइट, इट विल बी वॉट, फोर वन बाय टू, और आई शुड टेक समथिंग एल्स, लेट मी टेक फोर, सेवनटीन बाय टू, लेट मी टेक सेवनटीन बाय टू हियर. यहाँ पे भी हम 17 बाय टू को करते हैं, नॉट दिस. ठीक है, मतलब इट विल बी मोर क्लियर, नंबर ऑफ सेपरेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा बेटर हो जाएगा उससे. राइट, लेट मी मेक इट मोर नीट एंड क्लीन. ठीक है, हम 17 बाय टू को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे 17 बाय टू किसके इक्वल हो गया, टू एंड टू इज अ 16. अच्छा, बात तो वही आ रही है, नॉट बाय टू, आई शुड डू इट बाय फोर, दिस शुड बी फोर, 17 बाय फोर. ठीक है, तो ये हो गया फोर, फोर वन बाय फोर. राइट, तो अब इसमें मुझे क्या पता लग रहा है कि दिस पार्ट इज वॉट, होल नंबर, फोर इज द होल नंबर है, फोर जो है यहाँ पर वो क्या है, होल नंबर है, और वन बाय फोर उसका फ्रैक्शनल पार्ट है. तो मतलब कि अब इनका वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, फोर से फाइव के बीच में, क्योंकि फोर से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो ऑब्वियसली फोर से फाइव के बीच में आएगा. तो अब मुझे जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी वो फोर और फाइव के बीच में ड्रॉ होगी. सो लेट्स ड्रॉ इट. Is this a straight line? No, this is not. Let me draw a straight line. Now, this time I'll draw it. Okay, I hope I did it. So, let's mark it. This is 4 and this is 5. अब 4 और 5 ये तो मुझे पता लग गया कि ये 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, पर इसके अंदर अब मुझे सेपरेशंस कितने बनाने. तो अब यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को देखो, फ्रैक्शनल पार्ट वापस से वही बन गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसा हमने यहाँ पे किया था. राइट, तो वैसा ही 1 बाय 4 का फॉर्म यहाँ पर भी आ जाएगा. तो अब मुझे नंबर ऑफ सेपरेशंस कितने बनाने, 4 बनाने, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ करनी, 4 माइनस 1 दैट इज 3. तो मैं वही काम कर दूंगी यहाँ पर, फोर सेपरेशंस के लिए मैं थ्री इक्वल लाइंस ड्रॉ कर दूंगी, वन टू एंड थ्री. राइट, थ्री लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी. अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, वन बाय फोर, दिस विल बी टू बाय फोर, दिस विल बी थ्री बाय फोर. बेसिकली वन बाय फोर, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर क्या हुआ है,
4 1 by 4, 4 2 by 4, 4 3 by 4 and 4 4 by 4. A 4 4 by 4 means what? 4 plus 4 by 4 which is 1. तो ये कितना हो गया 4 प्लस 1 विच इज 5 एंड 5 इज इक्वल टू दिस. मतलब कि मैंने सही अपन ने सही इसको रिप्रेजेंट कर लिया. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड 4 1 बाय 4 इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन. दिस इज हाउ यू डू इट. फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में दो अगर नेगेटिव है तो उसका वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में हो जाएगा. वहीं अगर ये पॉजिटिव होता मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर होता प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इसका वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो जाता राइट. एंड इफ इट इज गिवन इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म और अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड हो जाएगा. बट यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इन टू वॉट. आपको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसको. यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन टू मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट होके यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे फोर है. अच्छा अब अगर यहाँ पे नेगेटिव होता लेट सपोज इफ देर वुड हैव बीन अ नेगेटिव साइन है. अगर यहाँ नेगेटिव होता ठीक है यहाँ पे भी नेगेटिव होता तो अब ये वैल्यू किसके बीच में होता. माइनस फोर और माइनस फाइव के बीच में होता या माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में होता. दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. ये आपका टास्क है कि आपको फाइंड करना है अब ये माइनस फोर माइनस थ्री के बीच में होगा या माइनस फोर माइनस फाइव के बीच में होगा राइट. सो दिस इज इट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. प्लीज गो थ्रू इट वंस. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस. यू विल हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. ये सब आपको करने हैं. मैं जस्ट एक क्विक आपको वो बता दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या करना है. नेक्स्ट इज सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. अब जो भी मुझे दे रखे हैं इसके अंदर मुझे पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग करना है. सो दिस फर्स्ट वन इज वॉट माइनस फाइव अपॉन माइनस सेवन. सो दिस इज डेफिनेटली वॉट पॉजिटिव रैशनल नंबर. दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर श्योर क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का साइन है. इफ आई टॉक अबाउट दिस 13 अपॉन माइनस नाइन तो ये क्या है. दिस इज नेगेटिव. अब इसमें जीरो क्या है वो आप बताएंगे. देन माइनस वन अपॉन माइनस नाइन और माइनस 95 अपॉन 116 दैट यू आर सपोज टू डू. प्लीज सी टू इट क्योंकि आपको करना है. बाकी के कंप्लीट आपको करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 5 बाय 7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. सो आई जस्ट एक्सप्लेन वन. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है. दीज आर इक्विवेलेंट. दिस इज बेसिकली वॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वी आर ट्राइंग टू मेक राइट. सो इफ आई से 5 अपॉन 7 इफ इट सेज 5 अपॉन 7 में डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है. माइनस 14 ठीक है. माइनस 14 डिनोमिनेटर बनाना है तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी. ऑब्वियसली माइनस 2 से. आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ वॉट माइनस 2. सो जिससे मुझे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर भी उसी से ही होगा. सो दिस बिकम्स वॉट माइनस 10 राइट. तो मेरा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया माइनस 10 अपॉन माइनस 14. माइनस 10 अपॉन माइनस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि दिस इज इक्वल टू दिस. दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम लोग इसका ठीक है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. सो बेसिकली इक्विवेलेंट हम निकाल कब रहे होते हैं या कैसे निकाल रहे होते हैं. हम किसी एक सर्टेन नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अगर जिसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें उसी को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी गेट द व्हाट. वी गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. नेक्स्ट अगर 28 है सो 5 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू आई शुड हैव माइनस 28. तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं. माइनस 4 से राइट. यहाँ पे माइनस 4 से तो दिस गिव्स मी माइनस 2. सो अब ये और ये दोनों बराबर हो गए. ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए. सो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी आपको इसी तरह फाइंड करने हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए. जस्ट सी टू इट. फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 3/7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. इट इज जस्ट द सेम. सेम ही है पुराने जैसा. वैसे ही आपको करना है इसको भी. नेक्स्ट रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सो यू आर सपोज टू एक्सप्रेस दीज ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे आपको इन्हें एक्सप्रेस करना है. वो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करना है.
राइट, दैट यू विल बी एबल टू डू. मैंने दोनों टाइप आपको बता ही दिए थे. नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट. नाउ यू आर सपोज टू टेल दिस कि ये रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी चेक फॉर 65/84, अगर हम 65/84 को चेक करेंगे तो 5 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है एंड 2. 5 एंड 5 3 15. राइट, सो बेसिकली दिस इज वॉट 65/84 क्या है, वो एक लोएस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी. ऑलरेडी जो है वो लोएस्ट फॉर्म में ही है, इसके और कोई मल्टीपल्स मतलब और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है. राइट, इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दिस इज वॉट, दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म. इनके कोई कॉमन एचसीएफ है ही नहीं, हम फाइंड ही नहीं कर सकते. वन ही होगा, मतलब इनका बेसिक कॉमन फैक्टर जो है वो वन होगा. सो दैट मीन्स दैट इट इज़ इन द लोएस्ट फॉर्म ऑलरेडी. बाकी के भी आपको फाइंड करने हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द लोएस्ट फॉर्म. अगेन इट इज सेम एज दिस डिटरमाइन. इसमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा लोएस्ट फॉर्म में है कौन सा नहीं है. यहाँ पे यू आर सपोज टू टेक इट आउट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 4/22. अब 4/22 में कॉमन एचसीएफ मुझको दिख रहा है दैट इज 2. तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया एंड 11. सो 2/11 इज इन द लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि अब इसके बीच में क्या है, कोई कॉमन एचसीएफ नहीं है. राइट, लेट्स आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं आई होप आप लोग. फाइंड फोर रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसके अंदर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. मैं एक निकाल करके आपको बता देती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट दिस -3/8. अब -3/8 है, इसका मुझे फर्स्ट अगर निकालना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. वॉट डू आई गेट, 6/16. ये मेरा पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल गया. नेक्स्ट 3 से कर दिया. यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ एनी नंबर, जिससे आप न्यूमरेटर को करें उसी से ही यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट द डिनोमिनेटर एज वेल. 24 हो गया. नेक्स्ट इज 32. राइट, सो दीज आर वॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. आप इस तरह से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. रेस्ट यू आर सपोज टू डू. प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट. आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग एंड विच इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसके अंदर हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन. ठीक है, लास्ट वाले का देख करके बताती हूँ मैं. दैट इज द 10th नंबर. इफ आई एम गिविंग 9/1024. अब ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. तो मैं 1024 को किस तरह से लिख सकती हूँ. आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2^10, 2^10 एंड 5^0. 5^0 इवन इफ यू डू नॉट राइट दैट डजेंट मैटर, बट इसका बेसिक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2^10 है. राइट, तो दिस बिकम्स वॉट, टर्मिनेटिंग. ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया बिकॉज इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2^m × 5^n के फॉर्म है. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, 9th वाला, दैट इज 6/88. अब इस 88 को हाउ कैन आई रिप्रेजेंट, 2^3 × 11. अब ये क्या हो गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. वाई, बिकॉज 11 इज देयर. अब 11 है तो वो 2^m × 5^n के फॉर्म में नहीं है. दैट मीन्स दिस बिकम्स वॉट, नॉन टर्मिनेटिंग. दिस बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चन. सो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, इनको कर लो. इसके अलावा भी यू कैन डू मेनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम अदर बुक्स एज वेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपकी. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग.
आगे का जो है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है. आज का जितना भी पढ़ाया था आई होप वो आपको सब कुछ समझ में आया है. एंड जो भी क्वेरीज है क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट और यू कैन टेलीग्राम इट टू अस एंड आई विल आंसर यू देयर. इसके अलावा और कुछ भी इशू है यू कैन ऑलवेज आस्क. प्लीज़ गिव योर फीडबैक चिल्ड्रन. Please do give your feedback, that is really important for us. Thank you so much for watching the video. Keep liking, keep subscribing, keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.